ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल संस्कृति ज्ञान में। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को माघ पूर्णिमा और माघी पूर्णिमा जैसे नामों से जाना जाता है। शास्त्रों में माघ पूर्णिमा का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने से मनोकामनाएं पूरी होती है। माघ पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव के साथ साथ माँ लक्ष्मी की आराधना करना शुभ होता है। कहा जाता है कि यदि इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा के अलावा कुछ उपाय किए जाएं तो घर में सुख समृद्धि का वास होता है। आज हम आपको साल 2024 में माघ पूर्णिमा व्रत की तिथि, शुभ मुहूर्त, शुभ योग, पूजा विधि और इस दिन किए जाने वाले कुछ खास उपायों के बारे में बताएंगे। साल 2024 में माघ पूर्णिमा का व्रत 24 फरवरी शनिवार को रखा जाएगा। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 23 फरवरी सायंकाल 3:33 पर। पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 24 फरवरी सायंकाल 5:59 पर। चंद्रोदय का समय होगा शाम 6:12 पर। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:12 से 12:57 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:11 से 6:02 तक। माघ पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी पवित्र नदी या सरोवर में स्नान करना चाहिए। अगर ऐसा संभव ना हो तो घर पर ही नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। स्नान के पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण कर सूर्य देव को जल का अर्घ अर्पित करें। पूजा स्थल में भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की प्रतिमा को स्थापित कर धूप, दीप, चना, मिर्च, पान, तिल, मौली, रोली, कुमकुम, सुपारी, नवेद्य व फल फूल अर्पित करें। इसके बाद भगवान सत्यनारायण व्रत कथा का पाठ कर आरती करें। पूर्णिमा की रात चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत को संपन्न करें। माघ पूर्णिमा के दिन श्री सूक्त का कंठ धारा स्रोत और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से माँ लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। पूर्णिमा के दिन श्री लक्ष्मी नारायण भगवान और माँ लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं। इस उपाय को करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है और धन लाभ होता है। पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी को पुष्प अर्पित करें। अगर संभव हो तो माँ लक्ष्मी को लाल रंग के पुष्प अर्पित करने चाहिए। माँ लक्ष्मी की असीम कृपा पाने के लिए माघ पूर्णिमा के दिन 11 पीले रंग की कौड़ियाँ लेकर उन्हें लाल या फिर पीले रंग के कपड़े में बांध लें। इसके बाद लक्ष्मी के समक्ष रखकर विधिवत पूजा कर लें। फिर उन्हें उठाकर तिजोरी या फिर अलमारी में रख लें। इससे धन लाभ होता है। दर्शकों, आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।